हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सॉफ्ट एकदम स्पंजी केक, और वो भी 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत ही मज़ेदार केक बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं ये बिस्किट्स, तो ये हैं ओरियो बिस्किट्स, और ये 2 पैकेट बिस्किट्स हैं। और इसकी ये जो क्रीम है, बटर क्रीम, इसको हम निकाल करके एक साइड रख लेंगे। तो किसी कंटेनर में या किसी कप में इसको अलग कर लेते हैं, और सारे बिस्किट्स एक तरफ कर लेंगे। तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। क्रीम को बिस्किट के साथ ना पीसें, अगर आपने पीस दिया तो आपका केक उतना अच्छा नहीं बनेगा, और ये जो क्रीम है ये बेकार चली जाएगी, और ये अब ये बाद में बहुत ही अच्छा काम आने वाली है। तो इसको हम साइड रख देते हैं। अब ये बिस्किट्स है ना, इनका हम बना लेंगे फाइन पाउडर। तो अगर आपके पास मिक्सी है तो मिक्सी में बना लीजिए, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे ही बोर्ड पर डाल के बेलन से प्रेस कर सकते हैं, और उससे भी फाइन पाउडर आसानी से बन जाता है। बहुत समय नहीं लगता है पाउडर बनाने में। तो कोशिश करें कि जब आप पाउडर बना रहे हैं तो एकदम फाइन, बहुत ही बढ़िया पाउडर बनना चाहिए, उसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए, टुकड़े नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए, ये पाउडर बन के हमारा तैयार हो चुका है, एकदम बढ़िया फाइन पाउडर बना है। तो इसको इकट्ठा कर लेते हैं और निकाल लेते हैं बाउल में। तो बाउल में निकाल लेंगे। देख रहे होंगे कि आप किस टाइप से, इस तरीके से मैंने इस पाउडर को बना करके तैयार कर दिया है, एकदम बढ़िया। तो इसको निकाल लिया है बाउल में। अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम दूध। तो ये 1 कप दूध है, रूम टेम्परेचर दूध है, और सारा एक साथ नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और विस्कर से विस्क करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बाकी का बचा दूध भी इसमें हम मिक्स कर देंगे। तो ये 1 कप दूध है, और ये मैंने सारा दूध ऐड कर दिया है, और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कि किस कंसिस्टेंसी में ये आ गया है, एकदम बढ़िया रिबन वाली कंसिस्टेंसी हो गई है। तो अब हम ऐड करेंगे इसमें इनो। तो इनो को यहाँ पे मेरे पास येलो वाला सैसे है, अगर आपको ब्लू वाला मिल जाए, वो फ्लेवर लेस होता है, तो वो आप यूज़ कीजिए, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। वैसे इससे भी अच्छा आता है। तो थोड़ा सा हम इस पर डालेंगे पानी ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर देंगे, हल्का सा मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा देर तक इसको हमें मिक्स नहीं करना है, क्योंकि इनो एक्टिवेट हो जाती है, उसकी गैस निकल जाती है। तो अब जल्दी से हम इसको केक पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो केक पैन को मैंने तैयार कर लिया है, बटर पेपर लगा करके ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो केक पैन में इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ये केक हम बनाने वाले हैं गैस पर पतीले में, और ये प्रोसेस जो मैं कर रही हूँ पैचूला से, इसको साइडों से कर रही हूँ। आप कभी देखते होंगे कि केक बनता है तो बीच में एक डोम बन जाता है, फूला फूला हो जाता है, इस प्रोसेस से वो बिल्कुल नहीं होगा, एकदम प्लेन केक बनके तैयार होगा आपका। तो ये पतीला हमारा गर्म हो गया है और प्रीहीट हो गया अच्छे से। इसमें मैंने एक जाली स्टैंड लगा दिया है जिस पे हम पैन को सेट करेंगे। तो बी केयरफुल, काफ़ी गर्म है, तो अच्छे से इसको सेट कर देंगे, और 45 मिनट के लिए, 42 या 45, यानी कि 42 या 45 मिनट्स के लिए हम इसको बेक करेंगे। तो 45 मिनट्स हो गए हैं और केक भी हमारा अच्छे से बेक हो गया है। फ्रेंड्स, मैंने इसको सिम फ्लेम पे बेक किया है, तो आप भी सिम फ्लेम पे ही करें, फुल ना करें गैस का फ्लेम। तो केक हमारा बन चुका है, निकाल लेंगे इसको बाहर और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। गरम गरम केक को हमें नहीं निकालना है, केक से, पैन से बाहर नहीं निकालना है केक को। बहुत ही फ्लफी और बहुत ही बढ़िया केक बनके तैयार हुआ है, चॉकलेट केक एकदम मस्त बना है। तो थोड़ा ठंडा हो गया है, तो इसको हम नाइफ़ की हेल्प से निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे से अभी थोड़ा गर्म है, तो इसको अभी अच्छे से ठंडा होने देंगे। ठंडा हो गया है, इसको 2 लेयर में कट कर लेते हैं। बहुत ही आराम से, बी केयरफुल करना है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी केक बनके तैयार हुआ है। और फ्रेंड्स, देख रहे होंगे आप, बिल्कुल प्लेन है, बीच में से जो डोम बन जाता है वो नहीं बना है इसमें। और ये जो बटर क्रीम हमने निकाल करके साइड में रखी थी, उसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं स्पून से,
स्पून से मिक्स करेंगे तो थोड़ी सी ये स्मूथ हो जाएगी। और इसको अप्लाई करेंगे हम अब केक पे। फ्रेंड्स, ना आपको क्रीम की ज़रूरत है, ना बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, बहुत ही कम सामान के साथ आपका इतना अच्छा मज़ेदार केक बनके तैयार हो जाता है। तो इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे अच्छे से। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से फैला दिया है चारों तरफ। और अब दूसरी लेयर सेट कर देंगे। और अब मैं इसके ऊपर ट्रांसफ़र करने वाली हूँ चॉकलेट सॉस, या आपके पास चॉकलेट है तो आप वो मेल्ट करके डाल सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, चॉकलेट सिरप ले सकते हैं, चॉकलेट सॉस ले सकते हैं, चॉकलेट आप मेल्ट करके डाल सकते हैं। थोड़ा सा टैप कर देंगे, उससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ये मैंने इसको टैप कर दिया है हल्का सा, और ये आप देख सकते हैं कि वाओ कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। और अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा चॉकलेट क्रश करके, कद्दूकस में क्रश कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने अदरक कसने वाला है ना, उसमें क्रश करके इसको डेकोरेट कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार केक बनके तैयार हुआ है। तो इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। अब इंतज़ार नहीं हुआ हो रहा है फ्रेंड्स, जब इसको काट लेते हैं, कट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना मज़ेदार यम्मी चॉकलेट ओरियो केक बनके तैयार हुआ है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और अपना एक्सपीरियंस मेरे चैनल पर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अगर इस रेसिपी से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मेरे चैनल पर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। एक बार फिर मिलते हैं ऐसी ही एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।